Vayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मैं डॉक्टर मयंक प्रताप सहायक प्राध्यापक विधि विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इस पाठ्यक्रम का शीर्षक है माल विक्रय अधिनियम और इस सत्र का व्याख्यान है सत्र और वारंटी की अवधारणा पूर्ववर्ती व्याख्यान को हम एक बार देखें पूर्ववर्ती व्याख्यान जो इस व्याख्यान के क्रम का तृतीय व्याख्यान था इसमें हमने कार्य की संविदा और करार को पढ़ा हमने माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत विक्रय की संविदा क्या होती है विक्रय की संविधा के आवश्यक तत्व तो क्या होते हैं विक्रय की संविधा में माल क्या है और माल और विक्रय की संविधा में माल का महत्व तो क्या है इसको देखने के बाद विक्रय की संविधा हम किसे कहेंगे विक्रय की संविधा में आवश्यक तत्व तो और उसकी औपचारिकताएं क्या होती हैं और बहुत सारी ऐसी संविदाएं होती हैं जो वास्तव में विक्रय की संविदा के सदृश्य लगती हैं लेकिन वो विक्रय की संविदाएं नहीं होती हैं तो ऐसी संविदाओं को हम कब विक्रय की संविदा से और किस आधार पर विक्रय की संविदा से अलग रख सकते हैं और विशेष तौर पर जो कार्य की या श्रम और कौशल की संविदाएं होती हैं तथा औक्रय करार जो विभिन्न प्रकार के करारों के विक्रय के करार के सदृश्य होता है उसे हम कैसे विक्रय की संविदा या विक्रय के करार से अलग रख सकते हैं तो हमने पूर्ववर्ती व्याख्यान में कार्य की संविदा विक्रय की संविदा और कार्य की संविदा और विक्रय की संविदा में अंतर को पढ़ा व औक्रय करार और विक्रय करार के अंतर को भी देखा कार्य की संविदा और कार्य में विक्रय में जो भेद था उसको हम मूल रूप से अगर कुछ शब्दों में देखने की कोशिश करें तो हमने देखा कि जहाँ संविदा का मुख्य उद्देश्य कीमत के बदले संपत्ति का अंतरण होता है यानी कि यदि कीमत पर कुछ कार्य किया जाना है और संपत्ति पर जो कार्य किया गया है वह मात्र अनुसांगिक है तो है विक्रय होगा लेकिन जो संविदा का उद्देश्य माल में संपत्ति का कीमत के बदले अंतरण करना है तो भले ही उस संपत्ति के अनुसांगिक कुछ कार्य किया गया हो लेकिन यदि वस्तु की आपूर्ति कीमत के बदले की गई है तो ऐसी संविदाएँ कार्य की संविदा होंगी यानी कि एक विक्रय किसी विक्रय की संविदा में वह विक्रय किस प्रकार किसी कार्य की संविदा से अलग होता है इसके लिए एक जो परीक्षणकारी सिद्धांत है वह है उद्देश्य परक सिद्धांत और उद्देश्य परक सिद्धांत के द्वारा हम यह निश्चित कर सकते हैं कि कब कोई विक्रय या कब कोई विक्रय का करार में कार्य की संविदा होगी तो उद्देश्य परक सिद्धांतों से अंतर से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब माल में की संपत्ति का कीमत के बदले अंतरण माल के रूप में ही किया जाना है तो इसे सामान्य रूप से विक्रय की संविधा मानेंगे लेकिन विक्रय की संविधा में जब संविदा करने के पहले जो माल का अस्तित्व था आपूर्ति के बाद माल के संविदा के जो अस्तित्व है उसमें कुछ अंतर देखने को मिलता है और यह अंतर इसलिए आता है क्योंकि क्रेता के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस माल पर कुछ श्रम अथवा कौशल अथवा कुछ कार्य किए गए तो ऐसे श्रम कार्य कौशल को होने के कारण इन प्रकार की जो संविधाएं हैं इन्हें हम सामान्य रूप से विक्रय की संविधा ना मानकर कार्य की संविधा में रखेंगे और इसी प्रकार हमने अवक्रय करार भी पढ़ा कि एक अवक्रय करार विक्रय की संविधा से किस प्रकार भिन्न होता है जिसमें मूलभूत रूप से हमें जो अंतिम परिणाम या निष्कर्ष मिला था वह यह कि अवक्रय करार में दो आवश्यक तत्व होते हैं एक होता है उपनिधान और दूसरा होता है विक्री अर्थात जब संविधा का निर्माण या संसर्ग होता है तो सबसे पहले इस बात पर सहमति होती है कि माल का कब्जा दिया जाएगा और दूसरा पक्षकार उपनिधाता की तरह उसका प्रयोग करेगा और बदले में उसमें किस्तों में कीमत का भुगतान करेगा लेकिन इतना ही नहीं दूसरा बिक्री का एक आवश्यक तत्व तो भी औक्रय करार में शामिल है यानी यह विकल्प प्राप्त होना कि जब भी अंतिम किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा तो क्रेता को उस माल के स्वामित्व को प्राप्त करने का अवसर होगा यह माल का क्रेता या खरीदार भी हो सकता है तो इन दोनों विकल्पों के साथ जब संविदा का निर्माण होता है या करार का निर्माण होता है तो ऐसी संविदाओं को अवक्रय करार कहते हैं और यह विक्रय के संविदा से बिल्कुल भिन्न प्रकार का होता है और जो आज का सत्र है इसको हम अगर हम एक बार मोटे तौर पर देखें तो आज के हमारे सत्र का जो प्रमुख उद्देश्य है वो किसी माल में या किसी संव्यवहार में या विक्रय की संविधा के अंतर्गत जब किसी माल में की संपत्ति का अंतरण किया जाता है तो क्रेता के पास एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि जैसे ही क्रेता ने कीमत दिया और कीमत के बदले विक्रेता द्वारा माल में की संपत्ति का अंतरण उसे हुआ उस क्रेता को उस माल के साथ साथ उसका जोखिम भी आ जाता है जोखिम के आने का अर्थ या रिस्क के पलायन का अर्थ हुआ कि जैसे ही क्रेता उस माल या उस वस्तु के स्वामित्व को प्राप्त करता है वैसे ही वो सारे जोखिम उसे वहन करने पड़ते हैं जो वस्तु के साथ जुड़े होते हैं जैसे वस्तु में कोई नुकसान हो जाना वस्तु का क्षतिग्रस्त हो जाना या वस्तु का उद्देश्य परक रूप से कार्य न करना ये बहुत सारे ऐसे जोखिम होते हैं लेकिन चूंकि जोखिम का अंतर माल में की संपत्ति या स्वामित्व के अंतर के साथ ही हो गया इसलिए इसका वहन क्रेता को करना पड़ता है ऐसे में स्वाभाविक रूप से जो क्रेता के सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न या सबसे बड़ा चिंता होती है कि जो सामान या वस्तु उसे संपत्ति के अंतरण के साथ यानी स्वामित्व के रूप में मिला है खासकर कोई ऐसा सामान जैसे हम कोई विशेष प्रकार का गैजेट खरीदते हैं और आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक गैज़ेट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिसमें सबसे ज़्यादा चिंता लोगों को इस बात की होती है कि क्या इसमें कोई गारंटी कोई वारंटी कोई शर्त मिलेगी या नहीं मिलेगी यानी कि एक ऐसी अवधि जब तक हम उस सामान को रिपेयर करा सकें उस सामान को ठीक करा सकें या बदल सकें या उसके बदले मूल्य को प्राप्त कर सकें यदि उसमें तकनीकी रूप से कोई कमी है इन्हीं बातों को रखते हुए आज हम इस व्याख्यान के अंतर्गत देह देखेंगे कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि विक्रेता से जब हम वारंटी के बारे में पूछते हैं और अगर खराब होने या खरीद के बाद उत्पाद के दोष पूर्णता के बारे में बात करते हैं तो क्या हम आसानी से उस उत्पाद को बदल सकते हैं या हम किन परिस्थितियों में उन उत्पादों की मरम्मत करवा सकते हैं इन सभी बातों का उत्तर हमें इस व्याख्यान में शर्तें एवं वारंटियों के साथ मिलेगा यानी शर्त क्या होती है वारंटी क्या होती है किसी भी अनुबंध में कब कोई शर्त होता है कब कोई वारंटी होती है इन दोनों के बीच में अंतर क्या हो सकता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी भी पक्ष द्वारा उल्लंघन के मामले में कब कोई पक्षकार इसके लिए दावा कर सकता है इस व्याख्यान में हम यह भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन शर्तों को कैसे परिभाषित किया जाए और शर्त और वारंटी में अंतर की स्थापना कैसे हो माल विक्रय अधिनियम की 1930 के आलोक में इन शर्त और इन वारंटियों की वैधता क्या है इनका परीक्षण क्या है और इनके लिए उपचार क्या है ऐसी निहित शर्त और किसी वारंटी में किस शर्त को वारंटी के रूप में माना या बदला जा सकता है इन सभी प्रश्नों के लिए हम आज इस व्याख्यान में शर्तें एवं वारंटियों से संबंधित अध्याय माल विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत देखते हैं जब कोई विक्रय माल विक्रय संविधा के अधीन होता है तो प्रत्येक माल विक्रय की संविधा में माल के गुड़ माल की प्रकृति माल के परिणाम माल के परिधान बहुत सारे ऐसे अनुबंध या विबंध हो सकते हैं या बहुत सारे ऐसे कथन हो सकते हैं जो संविधा संसर के संसर्ग या निर्माण के समय दोनों पक्षकारों के बीच में आपस में आदान प्रदान किया गया है बहुत सारे ऐसे अनुबंध होते हैं जो स्वेच्छा लगाए जाते हैं बहुत सारे ऐसे अनुबंध होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन कुछ ऐसे अनुबंध भी होते हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं भी होते हैं पक्षकार स्वेच्छा से कुछ अलग से अनुबंध रखने की कोशिश भी कर सकता है लेकिन सभी अनुबंध या सभी निबंधन एक ही तरह के हों यह आवश्यक नहीं एक अनुबंध या सौदे या करार या संविदा में होने वाले जितने भी निबंधन हैं सबकी प्रकृति एक जैसी नहीं होती अर्थात के क्रम में कुछ ऐसे बातचीत के निर्णय होते हैं जो उस अनुबंध के हिस्से के रूप में बन जाते हैं अर्थात वह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ ऐसे निबंधन भी हो सकते हैं जो उतने महत्वपूर्ण ना हो यानी कि ऐसे अनुबंध में हम उन निबंधनों की बात कर रहे हैं जो उस संविदा का आधार बनते हैं यानी कि बातचीत के सामान्य अनुक्रम में जब संविदा का निर्माण किया जाना है और उस समय जो निबंधन रखे गए हैं उनमें यदि कोई ऐसा निबंधन है जो उस संविदा को बनाने या गठन में निर्माण का आधार बनता है तो ऐसे में ऐसे निबंधनों का भंग ऐसे माना जाए मान लीजिए वह संविदा भंग हुआ हो इस प्रकार जो अधिनियम है इसकी धारा बारह से लेकर के धारा सत्रह तक ऐसे महत्वपूर्ण निबंधनों शर्तों एवं वारंटियों की चर्चा करती है इस अधिनियम की धारा बारह में प्रमुख रूप से शर्त और वारंटी को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है और धारा बारह अपने परिभाषा के क्रम में एक सीमा रेखा खींचती है जो यह बताती है कि कब कोई निबंधन शर्त होगा कब कोई निबंधन वारंटी होगा और वास्तव में एक शर्त वारंटी से किस प्रकार भिन्न हो सकता है यानी शर्त या वारंटी का निर्धारण शर्त की व्याख्या पर निर्भर करता है और व्याख्या प्रस्तुत शब्द के रूप में होने की बजाय उसके कार्य पर आधारित होने चाहिए तो इस प्रकार धारा 12 से लेकर के धारा सत्रह तक की व्याख्या में हम शर्त क्या होती है वारंटी क्या होती है एक शर्त और वारंटी में अंतर क्या है कब कोई शर्त वारंटी के समतुल्य मान ली जाती है शर्त के भंग होने का परिणाम क्या होता है या वारंटी के भंग होने का परिणाम क्या होता है इस व्याख्यान के अंतर्गत इस पूरी व्याख्या को समझने के लिए हम अधिनियम की धारा बारह के अंतर्गत शर्त एवं वारंटियों से इसकी शुरुआत कर सकते हैं इस अध्याय में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि शर्त और वारंटी किसे कहते हैं इसके लिए हमें अधिनियम की धारा बारह को देखना पड़ेगा अधिनियम की धारा बारह में शर्त एवं वारंटियों का अर्थ बताया गया विक्रय की संविधा में कोई अनुबंध जो माल के बारे में हो उस संविदा की विषय है शर्त या वारंटी हो सकेगा यानी धारा बारह की उपधारा एक को आप देखें तो इसमें स्पष्ट इस किया गया कि विक्रय की संविदा में कोई अनुबंध उस माल के बारे में जो संविदा का विषय है शर्त भी हो सकता है वारंटी भी हो सकता है यानी कि जरूरी नहीं है कि कोई भी अनुबंध शर्त ही हो या वारंटी भी हो दोनों में से कुछ भी हो सकता है तो कब कोई अनुबंध जो माल के बारे में है शर्त कहा जाएगा और कब कोई अनुबंध जो माल के बारे में है वह वा वारंटी कहा जाएगा उसके जो परीक्षण का तरीका है वह इस अधिनियम की धारा बारह के उपधारा दो और तीन से स्पष्ट होता है जब संविधा अधिनियम शर्त और, और वारंटी को इस माल विक्रय अधिनियम की धारा बारह के अंतर्गत हम देखते हैं तो धारा बारह की उपधारा दो में स्पष्ट कहा गया है कि शर्त संविधा के मुख्य प्रयोजन के लिए मर्मभूत वह अनुबंध है जिसका भंग संविदा को निराकृत करने का आधार प्रदान करता है जबकि वारंटी संविदा के मुख्य प्रयोजन के समर्विक ऐसा अनुबंध है जिसका भंग मात्र नुकसानी का दावा पैदा करता है किंतु माल को प्रतिपेक्षित करने और संविदा को निराकृत करने का अधिकार पैदा नहीं करता इस प्रकार यदि हम धारा बारह की उपधारा एक दो और तीन को एक सार के रूप में देखें तो हमें यह स्पष्ट रूप से निकलता है कि जब भी विक्रय की संविधा का निर्माण किया जाना है तो विक्रय की संविदा के निर्माण के समय बहुत सारे ऐसे अनुबंध या निबंधन हो सकते हैं जो उस संविदा के गठन के लिए एक आधार पैदा करे यानी जिसके आधार पर वक्षकारों ने यानी विक्रेता ने उस क्रेता या क्रेता ने उस विक्रेता के साथ उस संविदा में प्रवेश किया है यानी उस संविदा में प्रवेश या संविदा के गठन के लिए जितने भी अनुबंध हुए उन्हीं अनुबंधों में से कुछ अनुबंध शर्त कहे जाएंगे और उन्हीं अनुबंधों में से कुछ शर्त की बजाय वारंटी कहे जाएंगे। अब किन अनुबंधों को हम शर्त कहें और किन अनुबंधों को हम वारंटी कहें इनके बीच में अंतर स्थापित करने के लिए धारा बारह की उपधारा दो और तीन अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है धारा बारह की उपधारा दो कहती है कि हम किन अनुबंधों को शर्त के रूप में परिभाषित करते हैं जबकि धारा बारह की उपधारा तीन में आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे कौन से उपबंध हैं और उनके क्या परिणाम हैं जो वारंटी के बारे में परिलक्षित होती है तो शर्त के विषय में हमें यह ध्यान रखना होगा कि शर्त किसी संविदा का व प्रमुख या मर्मभूत अनुबंध है जिसका भंग होना मान लीजिए कि संविदा भंग हो गई है यानी जिसका परिणाम यह होगा कि पक्षकार संविदा का निराकरण भी करा सकते हैं जबकि कुछ ऐसे अनुबंध होंगे जो इतने मर्मभूत नहीं होंगे यद्यप कि महत्वपूर्ण होंगे लेकिन इस सीमा तक मर्मभूत नहीं होंगे कि आपको संविदा के जो विघटन है उसके परिणाम के जैसे परिणाम दें बल्कि वर्त या वारंटी ऐसे परिणाम देंगे जहां आपको मात्र नुकसानी करने का दावा प्राप्त हो सकेगा यानी शर्त और वारंटी के बीच में जो प्रमुख अंतर या जो सीमा रेखा है वह धारा 12 द्वारा स्पष्ट है कि जब किसी अनुबंध या किसी समझौते या किसी संविदा में विक्रय के करार में कोई शर्त ऐसी होती है जो संविदा के लिए इतनी मर्मभूत होती है जिसका भंग होने पर पक्षकार संविदा को निराकृत करने का अधिकार रखते हैं तो ऐसे अनुबंध को या ऐसे निबंधन को हम शर्त कहेंगे और जबकि ऐसे निबंधन जिनके परिणाम स्वरूप हम संविदा को निराकरण तो नहीं कर सकते लेकिन नुकसानी प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसे निबंधनों को हम वारंटी के रूप में देखें यानी विक्रय की संविदा में कोई अनुबंध शर्त है या कोई अनुबंध वारंटी है या हर उस मामले पर निर्भर करेगी जो उस संविदा के घटन का आधार है यानी उस संविदा पर जिस पर वह अर्थवालंबित होती है यानी कोई अनुबंध शर्त भी हो सकता है या वारंटी भी हो सकता है यह हमें उस संविदा विशेष के तथ्यों से देखकर ही समझ में आएगा माल विक्रय अधिनियम 1930 को अगर आप देखें तो इसमें शर्त को एक ऐसी शर्त के रूप में समझा जाता है जो संविदा करने के लिए आधार उत्पन्न करती है और उद्देश्य के लिए इतनी आवश्यक है कि उल्लंघन होने पर अनुबंध को अस्वीकार करने और नुकसानी का दावा करने का अधिकार हो जाता है इसके विपरीत वारंटी को अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए एक शर्त सम्पासर्विक रूप से आप समझ सकते हैं जिसका उल्लंघन किसी व्यक्ति को अनुबंध को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं देता केवल नुकसानी का दावा पेश कर सकते हैं मान लीजिए कि सोहन रवि के साथ कोई ऐसा करार करता है जिसमें वह से घोड़ा खरीदना चाहता है और घोड़े के लिए शर्त रखता है कि घोड़ा ऐसा हो जो कम से कम पचास किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है रवि द्वारा उसे बहुत सारे घोड़े दिखाए गए विशेष रूप से एक ऐसा घोड़ा दिखाया गया और कहा गया कि यह घोड़ा तुम्हारे उद्देश्य के लिए बिल्कुल ठीक है और जिस आशय से आप इस घोड़े की मांग कर रहे हैं उसके लिए यह घोड़ा एक उपयुक्त घोड़ा साबित होगा सोहन द्वारा उस घोड़े को खरीद लिया जाता है लेकिन बाद में ऐसा पता चलता है कि वह जो घोड़ा था वह मात्र तीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ सकता था यहाँ पर यद्यप कि घोड़ा दौड़ने में सक्षम है लेकिन जो इस संविदा के उद्देश्य का आधार था कि घोड़ा कम से कम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले इस संविदा के अनुबंध का पालन नहीं किया गया इसलिए यह संविदा के ऐसे मर्मभूत आधार का उल्लंघन था जो उद्देश्य के लिए आवश्यक था इसलिए इसे हम शर्त के उल्लंघन के रूप में स्वीकार करते हैं विभिन्न प्रकार के मामलों में न्यायालय ने अंतर करने की कोशिश की है कि कब किस प्रकार के अनुबंध को हम शर्त मान सकते हैं और किस प्रकार के अनुबंध को हम वारंटी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं विभिन्न उदाहरणों में जो प्रमुख उदाहरण है उसमें हमें एक बेलड्राइव बनाम मार्सल के वाद को ध्यानपूर्वक समझना होगा बेलड्राइव बनाम मार्सल के वाद में एक व्यक्ति अर्थात जो वादी था वादी को घूमने फिरने के लिए यानी टूरिंग पर्पस के लिए कार की आवश्यकता थी इसके लिए वह उस व्यक्ति या दुकानदार के पास जाता है और उसकी सलाह मांगता है और कहता है मुझे कोई एक ऐसी कार दिखाइए जो टूरिंग पर्पस के लिए मेरे उद्देश्य के लिए बिल्कुल ठीक हो और उसकी सलाह या उसकी राय पर जिसमें यह कहा गया कि आपके लिए बुगाटी कार या बुगाटी की कार बिल्कुल उपयुक्त कार है जो आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से सक्षम है इस सलाह के आधार पर बुगाटी कार को खरीद लिया गया और उस अनुबंध या समझौते के तहत एक करार और अनुबंध यह भी था कि जो दुकानदार है या उस कार का जो व्यक्ति है वह सिर्फ इसलिए उत्तरदायी होगा जब तक कि उस कार को जिसकी स्पीड या जिसके बारे में कोई भी अनुबंध रखा गया वह अनुबंध ऐसा है कि उसमें कोई यांत्रिक या मैकेनिकल डिफेक्ट या कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं हो अर्थात जब कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा या कोई यांत्रिक कमी होगी उसी सीमा तक उसकी जिम्मेदारी होगी इसके अलावा उसमें किसी भी प्रकार की कोई वारंटी या शर्त नहीं हो सकती लेकिन कार ले जाने के बाद कुछ दिनों के बाद यह सामने आता है कि बुगाटी कार यद्यप की बिल्कुल ठीक कार थी संवहन और ट्रांसपोर्ट और चलने के उद्देश्य से बिल्कुल उपयुक्त थी लेकिन जिस उद्देश्य के लिए खरीदी गई थी उस उद्देश्य के लिए वह बुगाटी कार उपयुक्त नहीं थी और विक्रेता ने कहा कि बुगाटी कार यद्यप आपके लिए उपयुक्त है लेकिन यह पाया गया कि यह कार उपयुक्त होने के साथ साथ उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक नहीं थी जिसके लिए सलाह ली गई थी अर्थात टूरिंग पर्पज के उद्देश्य को पूरा करने में यह नाकाम थी न्यायालय ने माना कि यह उद्देश्य मात्र सामान्य उद्देश्य नहीं था बल्कि ऐसा निबंधन था जो संविदा के लिए आधार उत्पन्न कर रहा था और जब यही उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ तो ऐसे में जो व्यक्ति है संविदा को निराश्रित करने का अधिकार रखता है अर्थात यह निबंधन इस समझौते में या इस करार में के रूप में परिभाषित किया जा सकता है इसी प्रकार अगर हमें वारंटी को समझना है तो इसका एक उदाहरण हम हैरिसन बनाम नॉल एंड फास्टर के बाद से ले सकते हैं नरिसन बनाम हैरिसन और नॉल एंड फास्टर के बाद में एक व्यक्ति जो क्रेता था क्रेता को दो जहाज चाहिए थे जहाज यानी कि पानी के जहाज जो पानी में माल के ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए बिल्कुल हो तो क्रेता ने दो छोटी छोटी जहाज़ें खरीदी लेकिन उसने जो जहाज़ें खरीदी उस जहाज में जो उसमें बहुत सारे कथन लिखे हुए थे उस जहाज़ पर जो प्रिंट था या उस जहाज के बारे में जो सूचनाएँ लिखी हुई थी उन पर रिलाई किया और रिलाई करने पर यह पाया कि उसके अनु अनुसार जो कथन है दिए गए कथन के अनुसार एक जहाज की जो क्षमता है वह 460 टन है परंतु जब उस जहाज को पानी में उतारा गया और उससे माल की आपूर्ति करने का प्रयास किया गया तो यह समझ में आया कि यह जो जहाज है इसकी क्षमता 460 टन ना होकर के मात्र 360 टन है अब विक्रेता ने उन दोनों ही जहाज को वापस ला करके माल वापस करके धन के वापसी के लिए यानी संविदा के निरसन को कराने का प्रयास किया अब यहां पर प्रश्न ये था कि क्या यह शर्त का भंग था अथवा मात्र वारंटी का भंग था क्योंकि संविदा को भंग कराने या संविदा के निरसन कराने का अधिकार तभी मिलता है जब यह शर्त का भंग होता है अन्यथा वारंटी के भंग में मात्र नुकसानी का बाद लाया जा सकता है तो अब इस प्रश्न के निर्धारण में कि क्या यह शर्त का भंग था या वारंटी का भंग था इसमें यह देखना होगा कि क्या संविदा करते समय यह शर्त मूलभूत रूप से या सारभूत रूप से इसके उद्देश्य के लिए रखी गई थी या यही शर्त थी जिसके आधार पर इस का निर्माण हुआ तो हमने देखा कि जो जहाज़ खरीदी गई थी क्रेता ने जहाज के खरीदते समय ऐसी कोई शर्त नहीं रखी उसने शर्त सिर्फ इतनी रखी थी कि उसे ऐसी जहाज़ चाहिए जिसके द्वारा पानी से माल की आपूर्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह जो जल मार्ग है वह कर सके ऐसे में जो जहाज़ था वह जल मार्ग के द्वारा माल की आपूर्ति के लिए बिल्कुल उपयुक्त था उसमें कोई कमी नहीं थी कमी मात्र इस बात की थी कि उस पर लिखित सूचना के अनुसार जो उसकी क्षमता थी वह उस क्षमता से कम थी ऐसे में जो शर्त है या जो वारंटी है इसका निर्धारण करने के लिए हम देखेंगे कि यह कोई ऐसी बात या तथ्य नहीं थी जिसके आधार पर संविदा का निर्माण हुआ अर्थात संविदा के निर्माण के समय यह कोई उपयुक्त आधार नहीं रखा गया कि निश्चित रूप से 460 टन की क्षमता का जहाज होगा तभी इसको विक्रेता द्वारा खरीदा जाएगा बल्कि यह इस कथन पर पढ़कर सूचनाओं के रूप में रिलाय किया गया और जो विश्वास करने योग्य कथन था जिसके आधार पर संविदा का निर्माण किया गया वह बात सिर्फ इतनी थी कि जहाज़ ऐसा हो जो जल मार्ग के द्वारा माल की आपूर्ति में निश्चित रूप से कार्य कर सके और निश्चित रूप से जो संविदा के आधार था उसको पूरा करने में यह सक्षम थी इसलिए इस कथन को शर्त ना मांग करके वारंटी मांगा गया और यहाँ पर संविदा को निरसन करने का आधार देने की बजाय व्यक्ति को मात्र इतना अधिकार दिया गया कि जो उसकी वास्तविक क्षमता और कथित क्षमता थी उसके बीच में अंतर को वह वा वारंटी का भंग मांगते हुए उसे नुकसानी प्राप्त कर सकता है इस प्रकार शर्त और वारंटी के बीच में धारा 12, धारा 12 की उपधारा एक दो और तीन को पढ़ने के बाद हमें जो कुछ मूलभूत रूप से अंतर दिखाई पड़ते हैं वो हम विभिन्न दशाओं में देख सकते हैं जैसे सबसे पहले यदि परिभाषा के स्तर पर आप देखें तो शर्त क्या है शर्त एक अनुबंध की मौलिक शर्त है यानी कि ऐसा जिसमें उल्लंघन होने पर निर्दोष पक्षकार को अनुबंध को समाप्त करने और हर जाना मांगने का अधिकार मिल जाता है जबकि जो गारंटी होती है गारंटी या वारंटी एक अनुबंध की द्वितीयक या छोटी शर्त है यानी उल्लंघन निर्दोष पक्ष को केवल हर जाना मांगने का अधिकार देती है और जो शर्तें होती हैं शर्तें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि अनुबंध के जड़ तक होती हैं जबकि वारंटी अनुबंध के लिए मौलिक नहीं होती बल्कि द्वितीयक आधार उत्पन्न करती है और उनके उल्लंघन के परिणामों की चर्चा जिसे मूल रूप से धारा बारह की उपधारा दो और तीन में समझाया गया है कि जब किसी शर्त का उल्लंघन होता है तो निर्दोष पक्षकार को अनुबंध समाप्त करने और क्षतिपूर्ति का दावा करना दोनों की ही अनुमति मिल जाती है लेकिन जबकि सिर्फ वारंटी का उल्लंघन हुआ है तो निर्दोष पक्षकार नुकसानी का दावा कर सकता है उस शर्त के उल्लंघन की भांति उसे अनुबंध को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होता है यानी जो शर्तें हैं वो अनुबंध की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्तें हैं जबकि वारंटी है उस अनुबंध की द्वितीय या गैर आवश्यक शर्त होती है और उपचार के फलस्वरूप शर्त के उल्लंघन में निर्दोष पक्षकार अनुबंध को समाप्त कर सकता है जबकि वारंटी के मामले में सिर्फ नुकसानी का दावा कर सकता है और उसकी पुष्टि उसे करनी होगी अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ भंग वास्तव में भंग होती है अर्थात कुछ बातें जो अनुबंध में सर्त के समतुल्य होती हैं लेकिन उनके भंग के परिणाम को हम उपचार के रूप में शर्त के परिणाम के उपचार के रूप में ना लेकर वारंटी के जो उपचार हैं उसके रूप में लेते यानी साधारण शब्दों में कहें कि ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जब हम किसी शर्त को वारंटी का भंग मान सकते हैं या इस प्रकार कहा जाए ऐसी कौन सी परिस्थिति है जब किसी शर्त के भंग को हम वारंटी के भंग के रूप में समझ सकते हैं इसका उल्लेख धारा तेरह में किया गया है धारा तेरह की उपधारा एक दो और तीन ऐसी शर्तों के बारे में बताती है कि कब किसी शर्त का भंग वारंटी का भंग माना जाएगा धारा 13 की उपधारा एक स्पष्ट करती है कि जहां विक्रय में संविदा किसी ऐसे शर्त के अधीन है जिसकी आपूर्ति विक्रेता द्वारा की जाती है वहां क्रेता उस शर्त का अधित्यजन या त्याग कर सकेगा और उसके पास यह निर्वाचन करने का अधिकार होगा कि वह शर्त भंग को वारंटी भंग ले या संविदा को निराकृत मानने का आधार माने इसी प्रकार धारा तेरह की उपधारा दो स्पष्ट करती है कि जहाँ की विक्रय की संविदा विभाजनीय नहीं है यानी विक्रय की संविदा को आप अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते तो क्रेता ने माल को या उसके भाग को प्रतिग्रहित कर लिया है तो हां क्रेता द्वारा पूरी हो जाने वाली किसी शर्त का भंग केवल वारंटी का भंग न कि माल को प्रतिपेक्षित करने और संविदा को निराकृत करने का आधार माना जा सकेगा जब तक कि संविदा पर कोई तत्प्रभावी प्रभावी अभिव्यक्ति या विवचित निबंधन न दिया गया हो धारा 13 की ही उपधारा तीन में यह स्पष्ट है कि इस धारा की कोई भी बात ऐसी शर्त या वारंटी के मामले में प्रभाव नहीं डालेगी जिसे उसे पूर्ण रूप से माफ करने या असंभवता के कारण या किसी विधि द्वारा प्रदत्त हो यानी या स्पष्ट कर देती है कि बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें वारंटी का स्थान शर्त या ग्रहण कर लेती यानी क्रेता शर्त के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप भी माल को स्वीकार कर लेता है यानी संविदा को निराशित नहीं करता है और हानि या नुकसान के लिए विक्रेता से प्रतिकर या नुकसानी का दावा कर सकता है यानी कि अगर धारा की हम सार को देखें तो हम इसे मुख्य रूप से तीन भागों में या तीन शर्तों के रूप में देख सकते हैं या हम ऐसे कह सकते हैं कि मूल रूप से तीन परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जब किसी शर्त के भंग को हम वारंटी के भंग के रूप में देख सकते हैं पहली परिस्थिति जहां पर क्रेता द्वारा शर्त का अभित्याग कर दिया गया यानी जहां विक्रय की संविधा के अंतर्गत विक्रेता को कुछ शर्तों का पालन करना होता है वहां क्रेता ने उन शर्तों को त्याग कर दिया है यह शर्त के भंग को वारंटी माना जा सकता है जैसे संविदा की ये जो शर्तें होती हैं वास्तव में संविदा की शर्तों की सुरक्षा के लिए होती हैं अथा उसे ही शर्त के भंग पर अधिकार करने और उसे त्यागने का अधिकार प्राप्त होता है यदि क्रेता शर्त के भंग से संविदा को निराकृत मानने के आधार को छोड़ देता है या त्याग कर देता है तब वो ऐसा निर्णय खुद कर सकेगा या ऐसा चुनाव कर सकेगा कि शर्त के भंग को केवल वारंटी का भंग माने अथवा संविदा को निराकृत नहीं कर भंग को केवल प्रतिकर प्राप्त कर सकता है मान लीजिए कि मिस्टर ए या आ ने सौ रुपये किलो कोई विशेष प्रकार के चावल की आपूर्ति की बात कही और बी द्वारा जो ए को चावल की आपूर्ति की गई वह उस सौ रुपये किलो वाले चावल से थोड़ा निम्न स्तर का था जिसकी जो वाणिज्यिक गुणवत्ता थी वह नब्बे रुपए किलो थी ऐसे में जो ए को जो प्राप्त चावल था वह सौ रुपये किलो की बजाय नब्बे रुपये किलो की क्वालिटी वाला था तब ए चाहे तो उस संविदा को भंग कर सकता है और उस संविदा को मानने से इनकार कर सकता है लेकिन यदि उस शर्त का उसने त्याग कर दिया तो ऐसा हो सकता है कि उस नब्बे रुपए किलो वाले चावल को वह स्वीकार कर ले और स्वीकार करने से क्या होगा कि वह जो शर्त होगी वह वा वारंटी के रूप में बदल जाएगी और जो उपचार होगा वह वा वारंटी का मिलेगा और वारंटी के उपचार के परिणाम स्वरूप क्या होगा नुकसानी पाने का अधिकार यानी सौ रुपए किलो के चावल के बदले यदि उसे नब्बे रुपए किलो के चावल को प्राप्त करना होता है और वह उसे स्वीकार कर लेता है तो शर्त भंग को ना मानते ही उसने वारंटी को उपचार के रूप में चुना और आगे वह जो दस रुपए की जो अंतर है उसके हिसाब से वह नुकसानी का दावा भी कर सकता है इस प्रकार सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाम महाराष्ट्र बनाम नागपुर स्टील एलायस के बाद में न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि विक्रेता द्वारा सुपुर्द किए गए किसी माल की जो साइज या अगर संविदा के अनुरूप नहीं है जिस प्रकार और आकार के शासन रचना के रूप में मांगी गई थी तो क्रेता चाहे तो माल को अस्वीकार कर सके और संविदा को विखंडित कर सकता है परंतु अगर क्रेता ऐसे माल का प्रयोग अपने लिए कर लेता है और उसकी सूचना विक्रेता को देता भी नहीं है तो विक्रेता को अवसर भी नहीं मिलता है कि दूसरा सामान वो भेजे ऐसे में यह स्पष्ट होगा कि क्रेता सही माल को पाने का चुनाव भी नहीं करना चाहता और इस शर्त का अभित्याग कर देता है इसलिए अब वह ऐसा तर्क भी नहीं दे सकता कि माल संविदा के अनुरूप नहीं थी इसलिए उसे किसी भी प्रकार का भुगतान भी नहीं किया जा सकता जो दूसरी शर्त है धारा तेरह की उपधारा दो के अंतर्गत जब क्रेता द्वारा माल प्रतिगृहित कर लिया जाए यानी जब शर्त है और शर्त को वारंटी के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं यदि विक्रय की संविधा ऐसी है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता और क्रेता ने कुछ माल को स्वीकार कर लिया है और कुछ को स्वीकार नहीं किया है तो विक्रेता को एक शर्त पूरी करनी है तो उसने भंग तो किया है लेकिन भंग के आधार पर माल की वापसी नहीं हो सकती बल्कि इसे वारंटी का भंग माना जाएगा और इसके पर नाम या ना हो तो वारंटी भंग में केवल प्रतिकर वसूला जा सकता है। जैन मिल्स बनाम स्टोर स्टेट एक निश्चित युक्तुक्ति समय के अंतर्गत अन्यथा कोई सूचना नहीं देता तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्रेता ने माल को स्वीकार कर लिया कभी कभी ऐसा भी होता है कि या तो विधि के कारण या तो असंभवता के कारण जो पक्षकार है वह पालन नहीं कर सकते यानी कभी कभी पक्षकार पालन की असंभवता के कारण या विधि में परिवर्तन के कारण शर्त के वारंटी से मुक्त हो जाता है लेकिन इन तीनों ही परिस्थितियों में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम इन परिस्थिति की चर्चा कर रहे हैं कि कब किसी शर्त के भंग को हम वारंटी का भंग माने यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शर्त का भंग शर्त ना होकर के वारंटी हो जाए मतलब एक शर्त का भंग हमेशा शर्त की भंग ही कही जाएगी मात्र इसलिए कि शर्त के भंग के परिणाम स्वरूप जो अधिकार मिल रहे हैं उनको त्याग दिया गया इसलिए उपचार के फलस्वरूप शर्त के भंग का उपचार मिलने की बजाय वारंटी का उपचार मिला यानी कि शर्त के भंग के उपचार के फलस्वरूप हमने वारंटी का उपचार पाया इससे यह नहीं कहा जा सकता कि शर्त का भंग होने पर शर्त वारंटी में बदल गई शर्त कभी वारंटी में परिवर्तित नहीं हो सकता वैलिस बनाम पुट्ट के बाद में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा वंस अ कंडीशन ऑलवेज कंडीशन यानी एक बार जो शर्त है वह हमेशा शर्त ही होगी मात्र शर्त के परिणाम के फलस्वरूप या जो अधिकार मिल रहे हैं उन अधिकारों की बजाय किसी व्यक्ति ने वारंटी के उपचार को पाना चाहा तो सिर्फ उपचारों के लिए विधिक रूप से हम उन्हें वारंटी मान रहे हैं अन्यथा एक शर्त सदैव शर्त ही रहेगी अब शर्त और वारंटी के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य कि क्या सभी शर्तें अभिव्यक्त ही होती हैं या कुछ ऐसी शर्तें या वारंटियां होती हैं जो अभिव्यक्त रूप से नहीं होती लेकिन निहित होती हैं यानी कि विधि द्वारा उनका अधिरोपण कराया जाता तो इसके लिए हमें देखना होगा कि व्यक्त और निहित शर्तें तथा वारंटियां क्या है शर्तें और वारंटियां या तो व्यक्त हो सकती हैं या तो उसमें निहित हो सकती हैं सरल शब्दों में हम कहें तो व्यक्त का तात्पर्य है जब शर्तों को स्पष्ट रूप से उन्हें बता दिया गया हो और दूसरी ओर निहित शर्तों का तात्पर्य है ऐसी शर्तें जिन्हें विधि द्वारा या कानून द्वारा मान्यता हो जिनका स्पष्ट रूप से कहीं उल्लेख ना किया गया हो जब हम इस अधिनियम के अंतर्गत देखते हैं तो धारा चौदह से लेकर के धारा सत्रह तक की जो धाराएं हैं उसमें विभिन्न प्रकार की शर्तों को हम निहित या शर्तें और व्यक्त शर्तों के रूप में देखने को मिलेंगी यानी निहित शर्तें माल विक्रय अधिनियम की धारा चौदह से सत्रह तक आती हैं और जो निहित वारंटियां होती हैं वो धारा चौदह बी चौदह सी और सोलह की उपधारा तीन में देखने को मिलेंगी और उसी प्रकार जो निहित शर्तें होती हैं धारा चौदह ए पंद्रह एक दो सोलह की उपधारा एक सोलह की उपधारा दो सोलह की उपधारा तीन और धारा बारह की उपधारा बी और धारा बारह की उपधारा सी में दी हुई है इस प्रकार धारा चौदह से लेकर के धारा सत्रह तक के प्रावधानों को हम निहित शर्ते या निहित वारंटियां व्यक्त शर्तें या व्यक्त वारंटियों के रूप में अलग से परिभाषित कर सकते हैं सबसे पहले हम निहित शर्तों की चर्चा करते हैं निहित शर्तों की चर्चा करने में हमें यह देखना होगा कि इनका उल्लेख धारा चौदह से धारा सत्रह के बीच में किया गया है विशेष रूप से हम इन्हें अलग अलग श्रेणियों में क्रमबद्ध करके हम इसका अध्ययन कर सकते हैं जैसे सबसे पहले धारा चौदह की उपधारा एक को हम देखें तो हमें हक आदि के बारे में विवच्छित परिवंचना देखने को मिलती है धारा चौदह की उपधारा एक स्पष्ट करती है कि विक्रेता की तरफ से विक्रय की दशा में यह विवच्छित शर्त होती है कि उसे माल के विक्रय का अधिकार उस समय होगा जब संपत्ति का संक्रांत किया जाना है यानी जब भी कोई विक्रेता किसी क्रेता को माल में संपत्ति का अंतरण करता है या सामान्य शब्दों में जब भी विक्रेता द्वारा क्रेता को कोई माल बेचा जाता है तो विधि आप इच्छा करती है कि जो विक्रेता है वह उसका स्वामित्व तो धारण करता है यानी विधि इस बात से सहमत है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को तभी किसी अन्य को बेच सकता है जब वह उस पर स्वामित्व तो या मालिकाना हक रखता है ऐसे में एक व्यक्ति जो किसी वस्तु पर स्वामित्व तो का धारण नहीं करता, वह उसको दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं करता ऐसे में जब विक्रेता द्वारा क्रेता को कोई वस्तु बेची जाती है तो यह सामान्य परिकल्पना है और यह निहित शर्त है कि विक्रेता द्वारा उस माल या संपत्ति पर स्वामित्व तो का धारण किया गया हो रालेंड बनाम डीवेल के बाद में एक महत्वपूर्ण तथ्य था कि विक्रेता ने क्रेता को एक मोटर कार बेची मोटर कार खरीदने के बाद जब क्रेता उस कार का प्रयोग कर रहा था तो कुछ ही महीनों के प्रयोग के बाद पता चला कि वह जो कार थी जिसे उसने क्रेता ने विक्रेता से खरीदा था वह कार चोरी की थी और जो चोरी के कार में जो उस कार का वास्तविक मालिक था उसके द्वारा उस कार को क्रेता से प्राप्त कर दिया गया और मालिक को लौटाने पर मजबूर कर दिया गया अब क्रेता के पास क्या उपचार था क्रेता के पास उपचार धारा चौदह एक के अंतर्गत हमने देखा कि एक निहित शर्त होती है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी माल को किसी अन्य को बेचता है तो निहित शर्त है कि वह उस पर स्वामित्व का धारण करता है लेकिन इसमें कार चुकी चोरी की थी यानी विक्रेता द्वारा उस पर किसी भी प्रकार का स्वामित्व तो नहीं रखा गया था यानी कि या यह निहित शर्त का उल्लंघन किया गया था और शर्त के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप जो हमें उपचार मिलता है वह बिल्कुल मान लीजिए संविदा के भंग के परिणाम यानी कि उसे निरसित कराने का अधिकार तो इस मामले में जो क्रेता था जिसने कार खरीदी जो कि वास्तव में चोरी की कार थी उसके बदले उसे उस विक्रेता द्वारा शर्त के भंग के कारण उस संविदा के निरसन के परिणाम स्वरूप जो उपचार मिल सकते थे वह उपचार उसे प्राप्त हुए इस मामले में लॉर्ड एटकिन ने कहा कि वास्तव में क्रेता को जो उसने संविदा द्वारा पाना चाहा था उसका कुछ भाग भी नहीं मिला था क्रेता को ना ही संपत्ति मिली ना ही उस वस्तु या उस कार का कब्जा मिला इस प्रकार जो प्रतिफल पूर्ण रूप से जो सफल हो गया और विक्रय का उद्देश्य माल में की संपत्ति का स्वामित्व में जो अंतरण करना था वह वही कर सकता था जिसे विक्रय करने का अधिकार प्राप्त हो लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पर जो क्रेता है वह निश्चित रूप से सद्भाव युक्त या बोनाफाइड हो अगर उसे पहले से ही ज्ञान है कि उसके द्वारा जो खरीदा गया माल है वह चोरी का है तो वह इसका लाभ नहीं उठा सकता उदाहरण के लिए जैसे चोर बाजार से किसी सामान का खरीदना जब कोई व्यक्ति चोर बाजार से कोई सामान खरीदता है तो यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह विधि द्वारा इस शर्त को रखा जाए कि जिसने बेचा है वह उसका स्वामी है क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान है कि चोर बाजारों में मिलने वाला प्रत्येक सामान जो उस विक्रेता द्वारा बेचा जा रहा है वह उस पर स्वामित्व धारण नहीं करता है इसी प्रकार निहित शर्तों में जो दूसरी आवश्यक शर्त है वह विवरण के अनुसार विक्री जिसका उल्लेख धारा पंद्रह में किया गया है धारा पंद्रह में जहां संविदा वर्णन के अनुसार माल के विक्रय के लिए हो वहां विवच्छित शर्त होती है कि माल वर्णन के अनुरूप होगा और इसका दूसरा भाग यह भी बताती है कि यदि विक्रय नमूने और वर्णन दोनों के अनुसार हो तो माल के प्रपुंज का नमूने के अनुरूप होना मात्र पर्याप्त नहीं है जब तक कि माल वर्णन के अनुरूप ना हो और यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि आप मटर बेचने का अनुबंध करते हैं तो आप खरीदार को इसके बदले फलियां लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते यानी कि यदि सामान अलग अलग है तो खरीदार ऐसे सामान को स्वीकार करने और उसके लिए भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है यानी धारा पंद्रह में जो निहित शर्त है उसे दो भागों में हम देख रहे हैं लेकिन पहले हम धारा पंद्रह के प्रथम भाग का वर्णन करते हैं धारा पंद्रह के प्रथम भाग में मात्र हमें यह समझना होगा कि जब भी संविदा वर्णन के अनुसार माल की विक्रय के लिए किया जाए तो विधि द्वारा यह विपक्षित शर्त होगी कि जो माल प्राप्त होगा क्रेता को वह उस वर्णन के अनुसार या वर्णन के अनुरूप ही होना चाहिए ऐसे में प्रश्न है कि क्या वर्णन के अनुसार माल तब भी प्राप्त करना आवश्यक है जब क्रेता ने उस माल को देख लिया हो क्योंकि देखिए सामान खरीदते समय या वस्तु के स्थानांतरण या विक्रय की संविधा को स्थापित करने समय दो परिस्थिति हो सकती है एक परिस्थिति तो यह है कि जब क्रेता ने उस माल को देखा है जिसे वह खरीदना चाहता है और दूसरी परिस्थिति यह है कि जब उसने माल को देखा नहीं है मात्र वर्णन पर उस वर्णन के आधार पर रिलाई करते हुए उसने उस समान को देखा तो दोनों ही परिस्थितियों में यह महत्वपूर्ण है कि माल अगर वर्णन के अनुसार विक्रय हुआ है तो माल का स्वरूप वर्णन के अनुसार ही होना चाहिए इस बात से या इस तथ्य से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि क्या क्रेता ने उस माल को देखा है या क्रेता ने उस माल को नहीं देखा है लेकिन हम दोनों ही परिस्थिति की अलग अलग परिकल्पना को अगर देखें तो पहली परिस्थिति मान लीजिए यदि क्रेता ने माल को ना देखा हो अगर क्रेता ने माल को नहीं देखा है सिर्फ वर्णन पर निर्माण पर और सिर्फ वर्णन पर रिलाई किया है तो ऐसे में एक उदाहरण हमें वार्ले बना विप के बाद में मिलता है जहां प्रतिवादी ने एक फसल काटने या घास काटने की मशीन को खरीदा जिसे कभी उसने देखा नहीं था मात्र इस बात पर उसने विश्वास किया कि जिसमें विक्रेता या वादी ने उसे बताया कि यह जो घास काटने की मशीन है वास्तव में बिल्कुल नहीं है यद्यप कि यह नहीं तो नहीं है लेकिन अपने स्वरूप में इसलिए नहीं है क्योंकि यह पिछले साल ही खरीदी थी इसका अभी कुछ भी प्रयोग नहीं हुआ है मात्र 50 से 60 एकड़ खेती करने के लिए ही यह घास काटने के लिए इसका प्रयोग किया गया है लेकिन जब प्रतिवादी को वह घास काटने की मशीन मिली तो यह पाया गया कि मशीन इतनी पुरानी थी जैसा वर्णन किया जा रहा था उसके बिल्कुल विपरीत और उसके ब्लेड पूरी तरह खराब हो चुके थे उसके लोहों में जंग लग गया था यह कभी नहीं कह सकता था कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता था यह पिछले वर्ष की खरीदी हुई मशीन है इसलिए अब प्रतिवादी ने मशीन लेने से इंकार कर दिया विक्रेता था उसने उससे कीमत प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया न्यायालय ने कहा कि यह जो विक्रय था वर्णनानुसार विक्रय पर आधारित था लेकिन वर्णनानुसार विक्रय में जैसा वर्णन किया गया था माल बिल्कुल उस वर्णन के अनुरूप नहीं था इसलिए मशीन को वापस किया जा सकता है तथा उसकी कीमत को देने के लिए वह उत्तरदायी है इसी प्रकार एक और मामले काउशमैन बनाम हिल के बाद में भी विक्रेता ने देखा कि एक गाय और यह गाय को जब खरीदा गया तो यह कहकर विक्रय किया गया कि गाय अभी व्यायी नहीं है और क्रेता ने विक्रेता के कथन पर विश्वास कर लिया और उस गाय को खरीद लिया गाय कुछ ही दिनों में मर गई क्योंकि कम उम्र में ही उसने एक बछड़े को जन्म दिया था अब इस मामले में भी न्यायालय ने निर्णय दिया कि विक्रेता ने शर्त का उल्लंघन किया है क्योंकि गाय का वर्णन उसके व्याने या ना व्याने के रूप में इस तथ्य की बात थी जिसके वर्णन के आधार पर उस गाय को क्रय किया गया था और यह निश्चित रूप से धारा पंद्रह के प्रथम पैरा में निहित शर्त होती है कि जब भी माल या किसी वस्तु का क्रय वर्णन के अनुसार हो तो जो माल की आपूर्ति हो वह वर्णन के फलस्वरूप ही होगी और इस मामले में भी यह आवश्यक शर्त थी इसलिए इस तथ्य से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि उस माल को देखा गया था अथवा नहीं देखा गया था लेकिन हम उस परिस्थिति की भी परिकल्पना कर सकते हैं जब माल को देखा गया हो लेकिन फिर भी विश्वास उस वर्णन पर किया गया हो जिस वर्णन के फलस्वरूप माल को खरीदा गया हो ऐसी स्थिति का वर्णन निक्सन एंड विद पनाम स्मिथ मैरिट नाम के बाद में देखा जा सकता है जहां एक लिनन नैपकिन टेप क्लाथ का संविदा जिसमें उसको नीलामी द्वारा बेची जानी थी नीलामी करते समय एक लिनन या टेबल क्लाथ रखा गया और उस क्लाथ के बारे में बताया गया कि यह टेबल क्लाथ सत्रहवीं शताब्दी का है और सत्रहवीं शताब्दी का बता करके उस लिनन क्लाथ का नीलामी की प्रक्रिया हुई नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जब उस वस्तु को क्रय किया गया और पाया गया तब यह पाया गया कि 18वीं या प्रारंभ की 19वीं शताब्दी के आसपास का यह लेन है ना कि यह 17वीं शताब्दी का लेनेन है और यह वर्णन के अनुसार बिक्री थी यह भी तर्क दिया गया कि लेन का कपड़ा उस टेबल क्लाथ पर सामने मौजूद था जिसे क्रेता ने देखा था और चूंकि क्रेता ने स्वयं उसको देखा था इसलिए अब उसके पास कोई आधार नहीं रह जाता है कि वह इसे संविदा को निराशित करे या सामान को वापस करके नुकसानी का वाद लाए लेकिन न्यायालय ने कहा कि जब माल का विक्रय वर्णन के अनुसार किया जाए और पक्षकार ने उस वर्णन पर विश्वास किया हो ऐसे में जब माल की आपूर्ति होगी तो यह निहित शर्त है कि माल वर्णन के अनुरूप ही होना चाहिए और यदि माल वर्णन के अनुरूप नहीं है तो यह शर्त का भंग माना जाएगा इन दोनों ही अवस्थाओं के अलावा कुछ और परिस्थितियां भी होती हैं जिनमें माल के वर्णन के अनुसार विक्रय के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं जैसे माल को पैक करने का तरीका भी यदि एक विशेष तरीका बताया जाए कि माल को किस रूप में पैक करना है किस आकार में पैक करना है किस तरह से उसकी पैकिंग करनी है तो यह परिस्थिति भी वर्णन के अनुसार विक्रय के रूप में आती है जैसे दी मुरे कंपनी एंड टीन के बाद में जो एक फल बेचने का करार था यह कहा गया कि क्रेता द्वारा कि जो फल बेचे जाएं उसको जो पैक करने का एक निश्चित तरीका होना चाहिए और एक पेटी में लगभग तीस डिब्बे होने चाहिए विक्रेता ने इस वर्णन के आधार पर जब माल पैक किया तो उसमें तीस के बजाय चौबीस डिब्बों को ही एक साथ रखा न्यायालय ने निर्णय दिया कि माल की पैकिंग का तरीका भी वर्णनानुसार विक्रय का एक भाग है और विक्रेता द्वारा इसका पालन ना करना शर्त के भंग के समतुल्य होगा और क्रेता को अधिकार प्राप्त होगा वह चाहे तो माल को अस्वीकार कर सकता है इसी प्रकार निहित शर्तों में जो तीसरी प्रमुख शर्त है वह है नमूने द्वारा विक्रय नमूने द्वारा विक्रय को धारा सत्रह में परिभाषित किया गया है नमूने के अनुसार विक्रय क्या होता है और नमूने द्वारा विक्रय की आवश्यक शर्तें जब हम धारा सत्रह में देखते हैं तो धारा सत्रह की उपधारा एक में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो है वह यह कि विक्रय की संविदा वहाँ नमूने के अनुसार विक्रय के लिए होती है जहाँ की संविदा में तत्प्रभावी अभिव्यक्ति या विवचित विबंधन हो नमूने के अनुसार विक्रय के लिए संविदा में जो विवच्छित शर्त है वह कि माल का प्रपुंज क्वालिटी में नमूने के सदृश होगा दूसरा माल जो क्रेता को दिया जाएगा वह नमूने के मिलान के लिए उसे उपयुक्त अवसर प्राप्त होगा और तीसरा कि माल जो उसे अवाणिज्य बना देने वाली किसी त्रुटि से मुक्त होगा जो नमूने की युक्त युक्त परीक्षा से प्रकट नहीं होती नमूने के अनुसार विक्रय में क्या क्या शर्त हो सकती है इसे जब हम धारा सत्रह में एक साथ सारभूत रूप से पढ़ते हैं तो हमें तीन बातें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं धारा सत्रह में एक बात जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि संविदा करते समय ही इस तथ्य का खुलासा या इस तथ्य पर सहमति हो जानी चाहिए कि यह जो संविदा है यह नमूने के अनुसार विक्रय पर आधारित है विशेष रूप से धारा सत्रह की उपधारा एक को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है कि विक्रय की संविदा वहां नमूने के अनुसार विक्रय के लिए होती है जहां संविदा में अभिव्यक्त या विवच्छित निबंधन हो यानी कि इस बात पर सहमति हो चाहे रूप से ही हो या रूप से हो कि की जाने वाली या करार नमूने के द्वारा विक्रय के लिए की जा रही है और जबकि यह स्थापित सिद्धांत या स्थापित, स्थापित तथ्य हो जाए कि यह विक्री या संव्यवहार या अनुबंध या समझौता नमूने द्वारा बिक्री पर आधारित है तब ऐसे नमूने द्वारा बिक्री पर आधारित होने के कारण उसमें तीन विवच्छित शर्त विधि द्वारा हमें दिखाई पड़ती है पहला कि जो नमूना हो वह जो बल्क हो उन दोनों में समानता हो अर्थात जो माल का प्रपुंज या माल का बल्क या जो माल की आपूर्ति है वह उस नमूने के अनुसार हो जिस नमूने के आधार पर विक्रय हुआ था दूसरा ক্রেতা কো মাল কে প্রপুঞ্জ কা নমুনা সে মিলানে কা अवसर মিলে মানে যুক্ত যুক্তি अवसर মিলনা চাইয়ে ক্রেতা কো জিসে বা ইস বাত কি ইসতত কি পুষ্টি কর सके কি জো নমুনা দিখায়ে গয়ে থে অর জো প্রপুঞ্জ বা বালক উসে প্রাপ্ত হুয়া উন দোনো মে সমান্তা হ্যায় ইয়া নহি যদি ইহা अवसर হ্যায় तभी नमूने के अनुसार बिक्री में विवच्छित शर्त लागू हो और तीसरी जो विवच्छित शर्त है कि माल में कोई भी ऐसी वाणिज्यिक त्रुटि नहीं होगी यानी जो माल है आ किसी त्रुटि से मुक्त होगा जो नमूने की युक्त युक्त परीक्षा से प्रकट नहीं होता है यानी कि जब भी माल की सप्लाई नमूने के अनुसार विक्रय हो तो तीन बातें जो धारा सत्रह के अनुसार स्पष्ट हो जा रही है सबसे पहले कि जो भी बल्क मिलता है वह बिल्कुल अपने गुड़ में अपने मिलान में उसी प्रकार का होगा जैसा कि उसे नमूना दिखाया गया है और यह स्थापित कैसे होगा इसको स्थापित करने के लिए क्रेता को यह अधिकार दिया गया है और विवच्छित शर्त के रूप में अधिकार दिया गया है कि वह उस बल्क का उस नमूने के साथ मिलान कर सके यानी कि उस नमूने के अनुसार प्राप्त आपूर्ति है या नहीं इसके लिए उसे एक युक्त युक्त अवसर मिलना ही चाहिए जिससे उस बल्क को उस नमूने के साथ वह मिलान कर सकता है और तीसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उसमें कोई ऐसी वाणिज्यिक त्रुटि नहीं हो या कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं हो जो युक्त परीक्षा से नहीं दिखती युक्त युक्ति, युक्ति परीक्षा से ना दिखने का मतलब फर्ज कीजिए कि, कि किसी क्रेता ने कोई माल खरीदा उस माल को खरीदने के बाद उसका मिलान भी कर लिया जो नमूना जिसे लेने के लिए वह सहमत हुआ था जिसकी क्वालिटी गुड़ रंग गुणवत्ता के आधार पर उस नमूने को उसने देखा और पहचान खरीदने के रूप में की उसी के अनुसार उसे बल्क भी मिल गए लेकिन फर्ज कीजिए उसमें कोई ऐसी त्रुटि हो जो वह अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकता हो मतलब ऐसी अंतर त्रुटि जो सामान्य जांच परख से ना प्राप्त होती हो तो ऐसे में कोई त्रुटि मिलेगी तो कौन उसके लिए उत्तरदायी होगा इसीलिए विवच्छित शर्त होगी कि माल में अवाणिज्य या कोई ऐसी त्रुटि जो उसे वाणिज्यिक क्वालिटी से परे बना देने वाली होगी और युक्त युक्त, युक्त परीक्षा से उसका परीक्षण नहीं किया जा सकता तो ऐसी कोई भी त्रुटि स्वीकार नहीं है और नमूने द्वारा बिक्री में यह एक विवच्छित शर्त होती है यानी निहित शर्तों में धारा सत्रह में हमने देखा कि जो वस्तु की गुणवत्ता है निश्चित रूप से नमूने के अनुरूप होनी चाहिए ए एंड सन्स रूबेन लिमिटेड बनाम फेयर में रबड़ की पाइप बेचने की संविदा की गई थी रबड़ की पाइप की बेचने की संविधा में उस पाइप की निश्चित लंबाई और मोटाई थी लेकिन जो रबड़ की पाइप जो प्राप्त हुई उसमें वह उस मोटाई की नहीं थी न्यायालय ने माना कि जब भी नमूने के अनुसार विक्रय होता है तो नमूने के अनुसार विक्रय में जो भी बल्क प्राप्त होगा बिल्कुल उसी प्रकार का या उसी श्रेणी का या उसी के तरह होना चाहिए जैसा नमूने में उसे प्राप्त हुआ था और जो दूसरी शर्त जिसकी हम बात कर रहे हैं कि खरीदारी करने के पश्चात क्रेता को उसके मिलान करने का उचित अवसर भी मिलना चाहिए लारीबल बनाम स्मिथ के बाद में गेहूं के पैकेट आपूर्ति किए गए लेकिन जो गेहूं के पैकेट नमूने के अनुसार बिक्री के बाद आपूर्ति किए गए तो वह अलग अलग पैकेटों में थे और जब मिलान की बात आई तो मिलान का अवसर तो दिया गया लेकिन मिलान के अवसर में जो अलग अलग गेहूं के पैकेट थे उसमें विक्रेता द्वारा सिर्फ एक गेहूं के पैकेट को खोल करके नमूने के अनुसार मिलाने को दिया गया जबकि दूसरे पैकेट को नहीं खोला गया इस प्रकार मिलाया गया सैंपल सिर्फ नमूने द्वारा एक पैकेट से था ना कि दूसरे सैंपल से तब न्यायालय ने कहा यहाँ वह विक्रेता को इसे वापस करने का अधिकार रखता है तीसरा यह जो माल है माल दोष मुक्त होगा यानी अगर नमूने से उचित जांच से स्पष्ट नहीं है उदाहरण के लिए ड्यूमन इंगने के बाद में क्रेता ने विक्रेता से नमूने के आधार पर कोट बनाने का एक कपड़ा खरीदा कोट बनाने के लिए वह कपड़ा तो ठीक था लेकिन उसमें कुछ ऐसे दोष थे कि उससे कोट नहीं बन सकता था न्यायालय ने कहा कि चूंकि यह कपड़ा कोट बनाने लायक है या नहीं यह नमूने को देखने के प्रारंभिक जांच से स्पष्ट नहीं होता इसलिए यह अवाणिज्य क्वालिटी का हो गया और इसे शर्त का उल्लंघन माना गया धारा पंद्रह का जो दूसरा पैराग्राफ हमने देखा था कि नमूने के अनुसार विक्रय में विवरण के आधार पर विक्री भी हो सकती यानी जब नमूने के साथ साथ विवरण के आधार पर विक्रय किया गया हो तो यह निहित शर्त होती है कि जो माल की आपूर्ति की जाए वह नमूने के तरह होनी चाहिए लेकिन साथ साथ जो वर्णन किया गया उसके अनुरूप भी होनी चाहिए मान लीजिए कि एक उदाहरण हम देखते हैं जब बी और सी के बीच में एक अनुबंध किया जाता है कि बी दस बैरल परिष्कृत मूंगफली के तेल खरीदता है और इस बात पर सहमत होता है कि इसमें किसी भी अन्य प्रकार के तेल का मिश्रण नहीं होगा उसे जो नमूना दिखाया जाता है और बाद में उसे जो मूंगफली का तेल मिलता है उन दोनों में ही बिल्कुल समानता थी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं था लेकिन अंतर यह था कि जो शर्त थी कि उस परिष्कृत तेल में कोई अन्य तेल नहीं मिलाया जाएगा जबकि इस तेल में अन्य प्रकार का तेल मिलाया गया था अर्थात जो नमूने था नमूने के अनुसार तो आपूर्ति हुई लेकिन वर्णन के अनुसार आपूर्ति नहीं हुई न्यायालय ने इसे भी एक निहित शर्त का भंग माना निहित शर्त के भंग के मामले में धारा सोलह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो गुणवत्ता या फिटनेस के बारे में बताती है और इस धारा में यह स्पष्ट होता है कि जब किसी विदेश उस देश के लिए फिटनेस की शर्त होती है तो खरीदार विक्रेता को ऐसी खरीदारी का उद्देश्य बताएगा मान लीजिए जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं कि बी जो एक सिंथेटिक दस्ताने खरीदने के लिए जाता है क्योंकि वह रसायनों के साथ खतरनाक रसायनों के साथ काम करता था वह एक दुकान पर गया जो ऐसे दस्ताने बनाता था जो सुरक्षा के रूप से उपयोगी हुआ करते थे उसने अपना उद्देश्य बताया और उसने दस्ताने खरीद लिए लेकिन जब वह काम कर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि वह दस्ताना उस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है जिसके लिए उसे खरीदा था और उसके दस्ताने में रसायन अवशोषित हो रहे थे और उसके त्वचा के संपर्क में आ गए थे लेकिन त्वचा उसके गंभीर जलन से खराब हो गई न्यायालय ने यहाँ कहा कि विक्रेता रिफंड के लिए उत्तरदायी है और हर जाना मांग सकता है इस प्रकार जो माल की विक्री के अंतर्गत निहित वारंटी है उसमें आबादित कब्जे की वारंटी और ऋण भार न होने की वारंटी भी शामिल होती है इस प्रकार हम इस पूरे ही व्याख्यान में देखते हैं कि कब कोई शर्त या कोई वारंटी किसी संविदा का आधार बन सकती है यानी जब भी संविदा की जाती है तो संविदा करने में जो आपसी निबंधन तय होते हैं उन निबंधनों में कौन से निबंधन शर्त हो सकते हैं कौन सी वारंटी हो सकती है शर्त होने पर हमें क्या उपचार मिलेंगे और वारंटी होने पर हमें क्या उपचार मिलेंगे शर्त और वारंटी के बीच में अंतर कैसे हम स्थापित करते हैं और कब किसी शर्त के भंग को हम वारंटी के भंग के रूप में मान सकते हैं यह भी आवश्यक नहीं है कि शर्त या वारंटी अभिव्यक्त रूप से की गई हो विधि कुछ ऐसी शर्त या वारंटी की परिकल्पना करती है जो अभिव्यक्त ना होकर के निहित या वारंटी हो सकती है इन सभी की चर्चा धारा चौदह से लेकर के धारा सत्रह तक की गई है हमने इस सत्र में आज इस व्याख्यान के अंतर्गत इन्हीं निहित शर्तों और वारंटियों को देखा और यह समझने की कोशिश की कि एक शर्त और वारंटी क्या है इन दोनों के बीच में अंतर क्या है और माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत इनकी क्या महत्ता है और इसी के साथ के लिए धन्यवाद